छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने ट्रेन की लेट लतीफी को लेकर ट्रेन रोको और रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 3 वर्षों में देश की रेल सुविधाएं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। यात्री ट्रेनों को बिना कारण बताए रद्द कर दिए जाने का फरमान जारी कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ों यात्री ट्रेनों को अनेकों बार महीनों तक के लिए रद्द किया जाता है। इसके साथ ही त्योहारों, छुट्टियों, शादी विवाह के समय पर और रेलवे बिना बताए ट्रेनों को रद्द कर देते हैं। आज यात्री दर दर भटक रहे हैं, आए दिन ट्रेनें रद्द हो रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे देश की कोने कोने की बात हो। उन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने जिलाधीश महोदय को, जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के नेतृत्व में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा रेलवे के विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया है रेल मंत्री जी के नाम से, जिसको उचित कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। मालवाहक रेल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिसके कारण पूरे हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ के लोग जो रेल यात्री है वो सब परेशान हो गए हैं। उनको जगाने के लिए रेल मंत्री जी के नाम से हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से कलेक्टर को आवेदन दिए हैं।